हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू प्ले मेकर इंडिया। तो भाई साहब, 6 जून, आई थिंक आप सब ने जो है अपने कैलेंडर पे मार्क कर दिया होगा, बहुत लोग जो है अपने मोबाइल में सेव किया होगा और बहुत लोगों ने टिकट्स भी ली होगी। सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है आई थिंक सो। अगर आप रिसेंट हिस्ट्री की बात करें तो वन ऑफ द बिगेस्ट मैच फॉर इंडियन फुटबॉल। हम लोग भिड़ने वाले हैं कुवैत के साथ में, सीरियसली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मैच, नॉट जस्ट बिकॉज सुनील छेत्री इज रिटायरिंग, ऑल्सो बिकॉज ये मैच तय करेगी क्या हम राउंड 3 में जाने वाले हैं, क्या हमको वो एक्स्ट्रा 10 मैच मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाले मैचेस होने वाले हैं। देखो, जैसे मैंने लास्ट के लाइव स्ट्रीम में बताया था, मैंने बहुत सारे वीडियोज में बताया कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थोड़े से कम है, क्योंकि लास्ट के जो मैचेस थे अफगानिस्तान के साथ में जो डबल लेग मैच थी, उसमें जो परफॉर्मेंस था इंडियन नेशनल टीम का वो बहुत ही बेकार था, बहुत ही ख़राब था। क्योंकि ये दो मैचेस से हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, बस उस दोनों मैचेस में हम जो है उतना कुछ अच्छा खेल नहीं पाए एंड उसी वजह से जो है अभी आप ग्रुप में हमारी हालत देख सकते हो। तो इसीलिए भाई ये जो कुवैत के साथ में मैच है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज इस वीडियो में हम जो है कुवैत की नेशनल टीम जिसके 26 मेंबर्स की स्क्वाड रिलीज हो चुकी है, उस स्क्वाड के बारे में बात करेंगे और क्या प्लेइंग 11 के साथ में कुवैत जा सकती है अगेंस्ट इंडिया, उसके बारे में भी थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर वेबसाइट जो है playmakerindia.com, जहां पे हर रोज हम नए स्टोरीज पोस्ट करते रहते हैं, यू नो, इंटरनेशनल फुटबॉल हो या इंडियन फुटबॉल, हम सब स्टोरीज को वहां पे कवर करने की कोशिश करते हैं, तो जरूर चेकआउट करना। तो अभी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी कुवैत नेशनल टीम के बारे में, कौन से प्लेयर्स को उन्होंने सेलेक्ट किया है अपनी 26 मेंबर की प्रोबेबल स्क्वाड में। सो लेट्स स्टार्ट विद द गोलकीपर्स। यहाँ पे कुवैत नेशनल टीम ने 3 गोलकीपर्स को चूज किया है एंड इसमें से एक बंदा जो है ऑलरेडी इंडिया के साथ में खेल चुका है, जिसका नाम है सुलेमान अब्दुल गफूर, जो कि अल अरबी एससी के प्लेयर हैं, बहुत ही ज्यादा वेटरन है एंड बहुत सारे मैचेस ऑलरेडी कुवैत के लिए भी खेल चुके हैं। वन ऑफ द एक्सपीरियंस्ड गोलकीपर दे हैव, शॉर्ट स्टॉपिंग एबिलिटी हो, टाइम वेस्टिंग एबिलिटी हो, ये बंदे की टॉप नॉच है। सो यस, ऑफकोर्स ये हमारे लिए दिक्कत बन सकता है, स्पेशली फ्रॉम स्पॉट किक्स एंड फ्रॉम फ्री किक्स। ऑल्सो हमने बहुत बार देखा है, अगर आपने अल अरबी की मैचेस देखे होंगे, ही इज अ वेरी पिवोटल गोलकीपर फॉर द क्लब एंड कंट्री। तो आगे देखते हैं हम, यहाँ पे नाम है सऊद अल हुसैन का, जो कि एक नए गोलकीपर है इन कुवैत रैंक्स एंड ऑफकोर्स यस, इनके पास एक्सपीरियंस है क्लब लेवल पे खेलने का, बट वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे एक्सपीरियंस अबाउट प्लेइंग फॉर द नेशनल टीम, वहां पे थोड़ा सा कम है। उसके बाद में नाम है अब्दुल रहमान अल फादली का, जो कि एक इनएक्सपीरियंस्ड गोलकीपर है। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके डिफेंडर्स के बारे में। लास्ट टाइम आउट हमने देखा था बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट थी इनकी डिफेंस एंड लास्ट मोमेंट तक जो है इनको ब्रेक करने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था इंडिया को। वैसे इंडिया भी उस मैच में उतना कुछ खास खेली नहीं थी, बट चांगते ने बहुत बढ़िया तरीके से स्ट्रेच किया था कुवैत के डिफेंस को एंड सुनील सर का वो डमी बहुत बेहतर था एंड वहीं पे मनवीर ने गोल स्कोर किया था, द ओनली गोल इन दैट मैच, जो हमको 3 पॉइंट्स दिया था एंड फर्स्ट अवे विन फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, आपको याद होगा। तो यहां पे डिफेंस, आई थिंक सेम डिफेंस के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि जो नेम्स है इस डिफेंसिव लिस्ट में वो सेम ही है, जैसे समी अल सानिया हो गए, जो कि लेफ्ट बैक भी खेल सकते हैं, राइट बैक भी खेल सकते हैं, ट्रेडिशनल एक राइट बैक है बट मोस्टली यू नो कुवैत को फिल इन भी करते हैं लेफ्ट बैक पोजिशन पे, बहुत ज्यादा वर्सटाइल है, इज अ वेरी गुड डिफेंडर। उसके बाद है अल हजेरी, जो कि बहुत बढ़िया सेंटर बैक है, वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन द कुवैत टीम एंड ऑल्सो कुवैत एससी टीम, जो कि बहुत ही ज्यादा वर्सटाइल है, गुड एरियल एबिलिटी है, हाइट इनकी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है बिकॉज ये 1.86 मीटर्स है, तो आप समझ सकते हो इनकी हाइट जो है बहुत तगड़ी है, फिजिकैलिटी भी बहुत तगड़ी है। लास्ट टाइम आउट जो है बहुत सारे बैटल्स दिखे थे बिटवीन हजेरी, सुनील छेत्री, सहल अब्दुल समद एंड इवन जिक्सन सिंह जब एरियल बॉल के लिए जाते थे, तो ये बंदा जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है स्पेशली इन डिफेंस। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते बात करते हैं मैशरी घनम की, जो कि बहुत ही वर्सटाइल लेफ्ट बैक है, हु कैन प्ले एज ए फुल बैक ऑल्सो, मतलब थोड़ा सा ट्रेडिशनल फुल बैक पोजिशन पे ये खेलते हैं। खालिद अल इब्राहिम है, जो कि खदीसिया में खेलते हैं एंड ही कैन प्ले इन द मिडफील्ड ऑल्सो एंड एक फुल बैक भी खेलते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस बंदे के पास में एंड ही कैन यू नो पनिश व्हेन टाइम कम्स। तो भाई साहब ये जो है मिडफील्ड में भी खेल सकते हैं, हैज ऑलरेडी प्लेड फॉर कुवैत इन द मिडफील्ड अगेंस्ट इंडिया कपल ऑफ टाइम्स, तो भाई इस बंदे पर भी थोड़ी सी नजर रखनी पड़ेगी। उसके बाद है हसन
अल एनेजी जो कि एक सेंटर बैक है एंड ही हैज डन इनफ फॉर अल अरबी दिस सीजन और कुवैत नेशनल टीम में भी बहुत बार खेल चुके हैं, इंडिया के अगेंस्ट भी मैच खेल चुके हैं, बहुत बढ़िया आउटिंग थी इंडिया के अगेंस्ट इनकी और आई थिंक क्लीन शीट भी इन्होंने रखा था इंडिया के अगेंस्ट, तो इस बंदे के ऊपर भी नजर रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है रशीद अल दोसेरी जो कि राइट सेंटर बैक खेल सकते हैं, राइट बैक खेल सकते हैं, खत्सिया टीम के लिए खेलते हैं कुवैत में, कुवैत प्रीमियर लीग में, वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा इस बंदे का। उसके बाद है हमद अल हरबी जो कि खजमा के लिए खेलते हैं, प्रॉपर यू नो ट्रेडिशनल सेंटर बैक है। तो ये तो हो गई भाई सेंटर बैक पोजीशन की, और ये जो भी सेंटर बैक पोजीशन के प्लेयर्स की मैंने नाम ली है बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल है, आप इनको हाइब्रिड नहीं बोल सकते, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ टैकल्स देखने के लिए मिलेंगे, ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ मैन मार्किंग देखने के लिए मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा फिजिकैलिटी दिखाते हैं, टाइम वेस्ट में टॉप में भाई साहब बंदे, तो थोड़ा सा यू नो दिक्कत हो सकती है उस डिपार्टमेंट में यू नो इंडिया को। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी मिडफील्डर के बारे में बात करते हैं। तो भाई मिडफील्ड पोजीशन में सबसे पहला नाम आता है अल दिफिरी का जो कि इंडिया के अगेंस्ट ऑलरेडी खेल चुके हैं, बहुत ही ज्यादा सीजनड मिडफील्डर है, कुवैत के लिए भी बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं, कुवैत एससी के लिए खेलते हैं एंड एक एंकर मैन टाइप होंगे इन दैट कुवैत मिडफील्ड। तो भाई इस बंदे को थोड़ा सा ब्रेक करना मुश्किल होगा इंडिया को, बट लेट्स सी यार क्या होता है उस मैच में। ऑल्सो वी हैव गॉट रेदा हनी जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्लेयर है, अभी लास्ट अगर उनका सीजन देखोगे एंड ऊपर से उनका जो परफॉर्मेंस रहा है फॉर कुवैत एससी आप बोल सकते हो टॉप नॉच रहा है, डिफेंसिव मिडफील्डर है, बढ़िया स्किल्स है इनके पास में एंड ये भी जो है कुवैत के लिए बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं, इंडिया के अगेंस्ट भी खेल चुके हैं। आज़बी शहाब जो है एक नए प्लेयर को ऐड किया गया है यहाँ पे, आई थिंक आज़बी शहाब लास्ट टाइम भी टीम में थे बट प्लेइंग 11 में नहीं दिखे थे कोई भी मैचेस इंडिया के अगेंस्ट। और उसके बाद है महदी दस्ती जो कि हर टाइम इंडिया के अगेंस्ट दिखे हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर है, अल सलमिया के लिए खेलते हैं, बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव वर्क है इनका, स्किल्स भी बहुत बढ़िया है इनके पास में, फुल ग्राउंड को कवर करने की कोशिश करते हैं। अब मैं इनको बोलूंगा यार एक नंबर 8 नंबर 6 पोजीशन में खेलते हैं, थोड़े से हाइब्रिड टाइप ऑफ प्लेयर है, बहुत बढ़िया खेलता है ये बंदा। उसके बाद है सुल्तान अल एनेजी, ये भी इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं, जो भी लास्ट ईयर मैचेस हुए इंडिया के अगेंस्ट ये बंदा उस हर मैच में था, ये भी एक डिफेंसिव मिडफील्डर है जो एक नंबर 8 पोजीशन में भी खेल सकता है, कभी कभार अटैक में भी खेल लेता है, बहुत बढ़िया स्किल है इनके पास में। अल अरबी के लिए खेलते हैं, कुवैत में भी बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं, आप इनको एक वेटरन बोल सकते हो कुवैत का, बहुत ही ज़्यादा सीजनड प्लेयर है। उसके बाद है बदर तारिक जो कि और एक बहुत एक्साइटिंग नेम है, अल अरबी के लिए खेलते हैं, अटैकिंग मिडफील्डर है, बढ़िया स्किल्स हैं, ऑफ कोर्स यस ड्रॉप डाउन भी करते हैं, सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे भी खेल लेते हैं, कभी कभार विंग्स में भी ये बंदे को देखा हूं मैं अल अरबी के लिए खेलते हुए। उसके बाद है बंदर बोरसली जो कि लास्ट टाइम टीम में तो थे बट इनको भी मौका नहीं मिला, अल नासर के लिए खेलते हैं, वो सऊदी वाला अल नासर नहीं, ये अपने कुवैत में अल नासर में खेलते हैं, ये भी एक सीएम है, सेंटर मिडफील्डर है जो कि बहुत कम मैचेस खेले हैं फॉर कुवैत एंड देखना में मजा आएगा अगर इनको चांस मिलता है अगेंस्ट इंडिया। उसके बाद है अब्दुल अजीज मोहम्मद वादी जो कि खत्सिया एफसी के लिए खेलते हैं, अटैकिंग मिडफील्डर है, फिर से बहुत बढ़िया प्लेयर है, एक्साइटिंग प्लेयर है, कुवैत के लिए ऑलरेडी 3 मैचेस खेल चुके हैं और इनका एक बहुत बढ़िया चांस है इस टाइम इनको जो है इंडिया के अगेंस्ट चांस मिल सकता है क्योंकि इनका जो परफॉर्मेंस रहा बहुत बढ़िया रहा है। फिर उसके बाद आते हैं एल राशिदी जो कि अगेन वन ऑफ द सीजनड प्लेयर है, कुवैत के लिए 34 मैच मतलब 34 मैचेस खेल चुके हैं, राइट विंग पोजीशन पे खेलते हैं, लास्ट टाइम इंडिया के अगेंस्ट भी खेले थे और बहुत दिक्कत दे थे हमारे फुलबैक्स को, एंड श्योर यार इस बंदे पे थोड़ी सी नजर रखनी पड़ेगी, पेस ही ये बंदा मजेदार बंदा है। उसके बाद है सलमान बोरमैया जो कि अल नासर के लिए खेलते हैं, बहुत बढ़िया मिडफील्डर है, तो ये देखने में मजा आएगा कि इस प्लेयर को मौका मिलता है इंडिया के साथ में नहीं मिलता। तो अभी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थोड़ी सी अटैक की, तो कुवैत का अटैक और इंडिया का अटैक मैं ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं मानूंगा, ऑफ कोर्स यस आई विल बी रेटिंग इंडियाज अटैक मोर देन कुवैत अटैक क्योंकि जब भी कुवैत की अटैकिंग फुटबॉल मैंने देखा हूँ इट्स हैज बीन टूथलेस अगेंस्ट इंडिया ऑल्सो वी सॉ दैट राइट, बट जो मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान था वो बहुत बेहतर था उससे एंड ऑल्सो कतर के अगेंस्ट जो उन्होंने मैच खेला था बहुत बेहतर था, कतर को 2-1 से कतर ने उनको हराया था बट उस मैच में उन्होंने गोल स्कोर किया था एंड कुछ जो पैचेज ऑफ अटैकिंग प्ले थे वो बहुत बेहतर थे। अगेंस्ट अफगानिस्तान उन्होंने 4 गोल स्कोर किए थे तो भाई वो भी एक जताता है कि येस ऑफकोर्स दे हैव प्लेयर्स हु विल स्कोर गोल्स। अभी जैसे हम लोग बात करते हैं मोहम्मद दहाम की जो कुवैत एससी के लिए खेलते हैं, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट विंगर्स दे हैव, अटैकिंग स्किल्स टॉप नॉच है, पोजिशनल प्ले भी टॉप नॉच है, इंडिया के अगेंस्ट ऑलरेडी खेल चुके हैं, एक टाइप ऑफ वेटरन है, कुवैत के लिए भी मैचेस बहुत सारे खेल चुके हैं, कुवैत एससी के लिए तो भाई टॉप नॉच लेफ्ट विंगर रह चुके हैं, तो ये बंदा विल बी एन अटैकिंग पॉइंट फॉर कुवैत एंड ऑल्सो क्रिएटिविटी टॉप नॉच इस बंदे की। उसके बाद है मुबारक अल फनेनी को बहुत लोग जानते होंगे जो भी इंडियन फैंस है, ऑफ कोर्स यस अल फनेनी को जानते होंगे,
वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन कुवैत, यू नो, श्योरली. उसके बाद है फैजल जैद, जो कि अच्छे प्लेयर हैं, अगेन वन मोर लेफ्ट विंगर, कुवैत एससी के लिए खेलते हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं. उसके बाद है अली खलाफा, जो कि और एक लेफ्ट विंगर है, अटैकिंग मिडफील्डर है, नंबर 10 पे भी खेल सकते हैं, राइट विंग पे भी खेल सकते हैं, फ्रंट थ्री पे भी कहीं खेल सकते हैं बंदा, और अल अरबी क्लब के लिए खेलता है, एक्सपीरियंस है इसके पास में, कुवैत के लिए भी ऑलरेडी खेल चुका है. उसके बाद है यूसुफ नासर, जो कुवैत एससी के लिए खेलते हैं, सेंटर फॉरवर्ड है और स्ट्राइकर भी, नंबर 9 पोजीशन पे भी खेल सकते हैं. उसके बाद है सलमान अल आवादी, जो कि अल अरबी के लिए खेलते हैं, ये भी एक सेंटर फॉरवर्ड है, नंबर 9 स्ट्राइकर है. और अगर बताऊं थोड़ी सी यू नो चीज सलमान के बारे में, तो भाई सलमान जो है फ्रंट थ्री में कहीं भी खेल सकता है, ही हैज ऑलरेडी प्लेड फॉर कतर, यू नो, कुवैत एट द नंबर 10 पोजीशन आल्सो. देयर ओवरऑल अटैकिंग की बात करें कुवैत की, तो यार डिसेंट अटैक है उनके पास में, यस. तो यार ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है फॉर कुवैत एंड इंडिया. पहले ही ग्रुप स्टेज के मैच में इंडिया ने कुवैत को हराया था, बहुत ही ज्यादा नैरो विन थी, जहां पे हमने कुवैत जाके उनको हराया था फर्स्ट टाइम, ठीक है. तो उसका रिवेंज लेने के लिए जरूर कुवैत जो है देखेगी. पर एक चीज है यहाँ पे, आप बोल सकते हो अपर हैंड है इंडिया के लिए, क्योंकि ये मैच सॉल्ट लेक पे हो रहा है, फुल हाउस होने वाला है, एक्स्ट्रा मोटिवेशन है प्लेयर्स के पास में, राउंड थ्री में जाने का मौका मिलेगा, ऊपर से सुनील छेत्री सर का लास्ट गेम है. तो ऑफकोर्स इंडिया आप बोल सकते हो थोड़ा सा अपर हैंड से ये मैच खेलेगी, बट कुवैत की जो कैपेबिलिटी है, जितनी फोकस्ड ये टीम दिख रही है, आई नो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, स्पेशल एनकाउंटर है इन दोनों टीम के बीच में. एंड ऊपर से थोड़ा सा कुवैत की बात करें हम लोग इन टर्म्स ऑफ एनकाउंटर्स, लास्ट टाइम कतर के साथ में भी बहुत क्लोजली वो हारे थे, अफगानिस्तान को 4-0 से हराया है. हमारे साथ में 6 जून को उनका मैच है, उसके बाद में अफगानिस्तान के साथ और एक मैच है, जो हमारा दूसरा मैच है वो कतर के साथ में है. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है हमारे लिए, ठीक है. और अगर इन प्लेयर्स की बात करें तो पूरे प्रोमिनेंट क्लब से आ रहे हैं, जैसे अभी इंडिया की अगर बात करते हैं तो यार मोहन बगान सुपर जायंट्स एंड मुंबई सिटी एफसी के जो है ज़्यादा प्लेयर्स दिखते हैं, वैसे इनके भी जो है मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आते हैं कुवैत एससी एंड खत्सिया एससी से. और ये दोनों टीम जो है बहुत ज़्यादा मंजे हुए टीम्स हैं, बहुत बढ़िया खिलाड़ी जो है अपने नेशनल टीम के लिए देते हैं, एंड जो भी प्लेयर्स हैं इस कुवैत नेशनल टीम में बहुत बढ़िया है. तो अंडरमाइन किसी को नहीं करना भाई, अपना अच्छा परफॉर्मेंस देना है, एक्सपेक्टेशंस थोड़े से लो रखेंगे हम लोग इस टाइम आउट, बट चीयर जरूर करेंगे अपनी टीम को, सपोर्ट जरूर रहेगा. तो आज जो मैंने एनालिसिस किया है आपको कैसा लगा जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है इस मैच से, आपके क्या प्रिडिक्शंस है, क्या होगी स्कोरलाइन, जरूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना. ऐसे ही न्यूज़ के लिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए और एनालिसिस के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो प्लेमेकर इंडिया, और हमारी जो वेबसाइट है playmakerindia.com उस पर भी जाके चेकआउट करते रहना, हर दिन हम नई नई न्यूज़ वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं. अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद और जय भारत.